अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा भाई साहब, ज़रा यानी आराम से और तवज्जो से सुनना है। मैं आपको ये जो पूरी कहानी है यानी पिछले 4-5 महीने से लेकर अब तक की 2 से 3 मिनट में समझा देता हूँ। एमडी कैट, ये पीएमसी, ये टेस्ट, प्रोविंस वाइज, नेशनल, सिलेबस, जो भी यानी सारी की सारी स्टोरी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको 2 या 3 मिनट में समराइज़ किया जाए ताकि जो हकायक हैं वो सबके सामने आ जाएँ। बहुत सारी पोस्टें हैं, बहुत सारी न्यूज़ हैं, उसमें बहुत सारी फेक भी हैं, बहुत सारी ओरिजिनल भी हैं। मसला फिर ये होता है जब फेकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, जो ओरिजिनल पोस्ट होती है या जो यानी एक रियल पोस्ट होती है उसके ऊपर बिलीव ही कोई नहीं करता। मैंने काफ़ी सारी न्यूज़ देखी पिछले 4-5 दिन में और सब कह रहे हैं उसको वो फेक है। क्यों फेक है? उनका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो इतनी यानी एक रियलिटी की लिमिट ख़त्म हो चुकी है कि जो बात भी बताई जाए उनको वो लगता है जना अब नहीं, ये फेक है, ये सच नहीं है। बहरहाल मैं भी आपको ये सारी स्टोरी जो है समझा दे। इस वक्त अगर पीएमडीसी का बिल पास नहीं होता तो ये जो पीएमसी है ये कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय 2020 की तरह के एक दिन ये सिंगल टेस्ट कंडक्ट करवा सकती है, यानी पूरे मुल्क में एक दिन टेस्ट करवा सकती है, लेकिन वो जो टेस्ट होगा वो नेशनल टेस्ट होगा और उसमें जो सिलेबस होगा यही कॉमन सिलेबस होगा पीएमसी का। और फिर पीएमसी के कानून के मुताबिक, लॉ के मुताबिक, जो जो उसमें यानी जैसे पासिंग परसेंटेज हैं, जो यानी पीएमसी के अंदर गुंजाइश होगी लॉ के अंदर वही की जा सकती है। एक और चीज़ जो यानी स्टूडेंट को कंफ्यूज करी है या हम सब ने उसको यानी एक से गलत समझा हुआ है, वो पीएमसी ने ये कहा है कि जनाब हमने हर सूबे में यानी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ये कहा है कि अब टेस्ट तुम लो, यानी यूँ समझो उन्होंने जैसे टिप्स को दिया था 2021 में कि भाई तुम हमें एमडी कैट कंडक्ट करके दो, वो अब जस्ट इतना कह रहे हैं कि अब हम टिप्स को नहीं देंगे कि तुम एमडी कैट कर, जैसे यानी एनटीएस है, कोई भी कंडक्टिंग पार्टीज हो सकती है, उन्होंने ये फैसला किया है इस साल कि हम हर सूबे में यानी कुछ यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर लेते हैं, वो हमें उस सूबे में टेस्ट कंडक्ट करके दें, लेकिन टेस्ट होगा नेशनल, वो प्रोविंस वाइज उसको आप नहीं कह सकते। वो यूँ समझो कोई अगर मिसाल यू जैसे पंजाब में टेस्ट कंडक्ट करता है, वो सिर्फ कंडक्ट करके पीएमसी को दे रहा है, अपना सिस्टम यूज़ करके पीएमसी को दे रहा है, बाकी सारा कुछ पीएमसी का होना है, उसमें क्वेश्चन बैंक है, टेस्ट का फॉर्मेट है, उसको चेक करना है, आंसर किए जो भी होगा वो सब कुछ पीएमसी का होगा। यूएचएस क्या करेगा? सिर्फ उसको कंडक्ट करके पीएमसी को देगा, जी ये लो मैंने आपको कंडक्ट करके दे दिया टेस्ट, बस। बाकी सारे मामला पीएमसी ने खुद बनाने हैं, उसमें यूएचएस का कोई रोल नहीं होगा, यूएचएस जस्ट कंडक्टिंग बॉडी होगी लाइक टिप्स जो यानी 2021 में थी जैसे। और ये भी हो सकता है वो वाला जो नेशनल टेस्ट है वो फिजिकल हो, या हो सकता है वो यानी अगेन ऑनलाइन भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हैं, वो डिपेंड करता है पीएमसी के ऊपर, क्योंकि उनके पास ये दोनों इख्तियार हैं, वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं टेस्ट और फिजिकल भी ले सकते हैं, यानी सिंगल डे पे भी ले सकते हैं, क्योंकि 2020 में भी उन्होंने सिंगल डे पे टेस्ट लिया था और वो फिजिकल टेस्ट था यानी पेन और पेंसिल के साथ था, उसमें कोई कार्बन कॉपी नहीं थी, बाद में उन्होंने यानी ऑफिशियल की वगैरह जो बाद में जैसे रिजल्ट अनाउंस किया था, तो वो ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये कहानी थी अब तक की, और अभी इनका जो नेक्स्ट है वो सेशन भी स्टार्ट होने वाला है यानी 27 को, इसी मामले में इस चीज़ पे ये गौर करें कि अब आगे क्या करना है, हमने कैसे करना है, क्योंकि जो इनके पास इस वक्त वहद ऑप्शन है अगर पीएमडीसी का बिल पास नहीं होता तो वो यही है, ये ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि एक दिन में टेस्ट कर और वो टेस्ट फिजिकल होगा जैसा कि 2020 के अंदर हुआ था। सिलेबस यही रहेगा जो इस वक्त पीएमसी का सिलेबस है, कोई प्रोविंस वाइज सिलेबस नहीं आने वाला, और आपने भी अपनी जो यानी तैयारी करनी है वो यानी अक्रॉस ऑल द बोर्ड करनी है, ये नहीं कि बस अगर आप पंजाब से हैं तो आपने पंजाब से करनी है, जैसे आप पहले तैयारी कर रहे थे आपने अब भी वैसे ही तैयारी करनी है इस वक्त के हालात और इस वक्त के यानी जो न्यूज़ हैं उसके मुताबिक, बस इतना सा ये कर सकते हैं। बाकी आगे लायामल क्या होगा, कैसे होगा, वो फिर देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल में आपकी कुछ क्यूरीज जो हैं वो तो कवर अप हो जाएंगे इंशाल्लाह इससे। थैंक यू सो मच।